Subscribe under 24/7 and press the bell icon. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अड्डा 24/7 पर। तो एक बार प्यारी सी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा फटाफट से और सेशन को कर दीजिएगा शेयर, ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच पाए जितना भी आपका फ्रेंड सर्किल है। जो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी एक सीरीज चली हुई है, और सीरीज क्या है हमारी, रिविजन एमसीक्यू के रिविजन, जो कि सेप्टेम्बर के मैं आपको ऑलमोस्ट करवा चुका हूँ। आज जो आपकी सीरीज स्टार्ट होगी वो अक्टूबर की, एक सीरीज आज अक्टूबर की होगी और एक फिर कल अक्टूबर की आपकी होगी। तो ये टोटल आपकी 4 जो क्लासेज हैं वो रिविजन के तौर पर मैंने रखी थी, क्योंकि आप लोगों की स्पेशल डिमांड आ रही थी आपके आने वाले एग्जाम्स को लेकर के। तो यहां पर अगर गाइस मैं आपसे बात करूं तो देखिएगा, आपको जो आज मैं एमसीक्यू यहां पर कराने वाला हूं वो है 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2019 तक के एमसीक्यू है। मतलब ये 15 दिन के जो 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। बाकी डिटेल के लिए मैं डेली आपको सेशन में पढ़ाता ही हूं। तो जो डेली हमारा सुबह 7 बजे सेशन चलता है उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं, उसमें हम न्यूज भी पढ़ते हैं, उसमें हम एमसीक्यू भी पढ़ते हैं और उसमें बाकी चीजें भी हम यहां पर पढ़ते हैं। तो गाइज एक बार करते हैं स्टार्ट फटाफट से। स्टार्ट करने से पहले प्यारी सी गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसी रही अपनी आपकी दिवाली, एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे फटाफट से कि दिवाली आपकी कैसी रही, क्या क्या किया दिवाली में, अच्छे से खाया पिया, अच्छे से दिवाली मनाई, तो जल्दी से कमेंट कर देंगे फटाफट से। कंप्यूटर जी एक बार मुझे स्क्रीन पर लगा दिया जाए। तो देखिएगा गाइज, ये आपके जो है करंट अफेयर एमसीक्यू 16 सितंबर से लेकर के कब तक, 16 सितंबर से लेकर के आपके 30 सितंबर तक। इस बात को हमने थोड़ा ध्यान देना है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसके लिए आपको डिटेल सेशन तो देखना बहुत जरूरी है, लेकिन एक क्विक रिविजन के तौर पर है ताकि आपको चीजें जो है वो भूली हुई याद आ जाए। इसमें कुछ चीजें आपको मैं बताऊंगा और कुछ चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो कंप्यूटर जी मुझे भी में लगा दिया जाए। अगर मैं बात करूं 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन बने हैं, तो 47वें मुख्य न्यायाधीश जो गाइस अगर मैं बात करूं तो जस्टिस एस ए बोबड़े को बनाया गया है, या फिर मैं बात करूं तो जो हमारे अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं रंजन गोगोई साहब, जो 17 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे, उन्होंने ही इनके नाम की रिकमेंडेशन दी है। तो ध्यान रखिएगा, जस्टिस एस ए बोबड़े, इस चीज को हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अभी कौन है, रंजन गोगोई है, आने वाले कौन है, एस ए बोबड़े साहब है। रंजन गोगोई से पहले कौन थे, रंजन गोगोई से पहले सर दीपक मिश्रा थे, दीपक मिश्रा से पहले जगदीश सिंह खेर थे, जगदीश सिंह खेर से पहले कौन थे सर, टीएस ठाकुर थे, टीएस ठाकुर से पहले कौन थे सर, एचएल दत्तू थे, एचएल दत्तू से पहले कौन थे, आरएल लोधा साहब थे, राजेंद्र मल लोधा साहब, उनसे पहले कौन थे, पी साता शिवम थे, उनसे पहले अल्तमस कबीर थे। इसी तरह से आपकी एक सीरीज चल रही थी। ओके गाइज, तो अभी हम बात करते हैं, यहां पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। अब बात करते हैं, देखो इसमें रिटायरमेंट एज की 65 साल यहां पर रिटायरमेंट एज होती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते, निजी शैक्षणिक क्षेत्र में मातृत्व लाभ प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, देखिएगा। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट इन द प्राइवेट एजुकेशनल सेक्टर। तो देखिएगा, अभी जैसे क्या होता था कि जो 26 वीक का एक मैटरनिटी लीव वुमेन ले सकती थी आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में, अब वो आपका प्राइवेट एजुकेशनल सेक्टर में भी उसको क्या कर दिया गया है, इंप्लीमेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो यह आपका किस स्टेट ने शुरुआत की है गाइज, यहां पर केरला ने शुरुआत की है। और मैटरनिटी लीव कितने दिन की मिलती है, 26 वीक की, 26 हफ्ते की, इस बात को भी क्या रखेंगे, याद रखेंगे। केरला के नवनियुक्त गवर्नर का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। और जो कर्नाटका है वो नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में पहली रैंक किसको मिली है, कर्नाटका को मिली है। और यूटी में बात करेंगे तो दिल्ली को मिली है। जो आपका नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स रिलीज हुआ है 2019 का इंडेक्स, जो इनोवेशन नवाचार सूचकांक रिलीज हुआ है, उसमें कर्नाटका नंबर 1 स्टेट बना है और जो दिल्ली है वो नंबर 1 यूटी बनी है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है गाइस। आगे चलते फटाफट से, और महाराष्ट्र में आपके इलेक्शन संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, तो आप सभी लोगों को पता है वहां के बारे में कि वहां पे बीजेपी और शिवसेना की वापस से सरकार बन चुकी है। आगे चलते फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो क्या है, एक बार, किस भारतीय खिलाड़ी ने
30 वर्ष की आयु में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज में पदार्पण किया, अर्थात क्या किया, वहां पे उन्होंने डेब्यू किया है। तो डेब्यू 30 साल की उम्र में किसने किया है, शाहनवाज नदीम ने किया है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप सुपड़ा साफ कर दिया है। और रोहित शर्मा का जो एवरेज बन गया है वो क्या बन गया, सर डॉन ब्रैडमैन से भी ज्यादा हो गया है टेस्ट क्रिकेट में। ये बात हमने क्या रखनी है, याद रखनी है। ओके गाइज, आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, लेकिन उससे पहले बता दूं बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन से नंबर के हैं, 39th नंबर के हैं, और क्या नाम है, सौरभ गांगुली उर्फ दादा। ओके जी गाइज, तो यहां तक चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो एक बार जल्दी से क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे सर समझ में आ रही है, और शेयर कर देंगे। लाइक अभी बहुत कम है, ठीक है, लाइक भी कम है, लाइव भी कम है, तो पता नहीं दिवाली अभी मना रहे हैं क्या। तो जल्दी से एक बार बता दीजिएगा कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, सभी को लाइव आना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि उन महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइएगा जिन्होंने हाल ही में किसी पुरुष अंतरिक्ष यात्री की मदद के बिना ही स्पेस वॉक किया है। तो गाइस जो नासा की अगर मैं बात करूं तो दो जो महिलाएं थी वो कितनी थी, मतलब दो थी, उनका नाम आप लोग मुझे बताएंगे कि उन दोनों का नाम क्या था, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में बताया था तो कितनी महिलाएं थी, वो दो महिलाएं थी और उनका नाम आप लोग मुझे बताएंगे, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, नासा की थी वो, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा ये जो हमारा सेशन है एक्चुअल में फास्ट वे में रिवीजन है हमारा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी लेकर के चल रहा हूं ताकि आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाएं। दूसरी चीजें ये सब डिटेल में मैंने आपको बता रखा है, ये तो आपकी रिवीजन क्लास थी आप लोगों के कहने पर, ठीक है। किस राज्य के सांस्कृतिक विभाग ने कौन रामलीला के लिए भारत के पहले प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो गाइस ये कौन रामलीला की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश, कहां पर हुई, उत्तर प्रदेश में हुई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरीके से ये नाट्य रूपांतरण है एक तरीके से आपकी रामलीला का, इसके अंदर मुखौटा लगा करके एक नृत्य टाइप आपका करते रहते हैं और पीछे जो रामलीला की धुन बजती रहती है इस तरह से। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ये कौन सी देश से आया है, ये जो कौन रामलीला कॉन्सेप्ट है ये कौन से देश का है, मैंने आपको पढ़ाया था याद होगा आप लोगों को। ओके, तो जल्दी से बता देंगे एक बार फटाफट से, बिहार में क्या हो गया है, बिहार में जो बाढ़ आई थी ना उसमें बाढ़ पीड़ितों को ₹6,000 पर फैमिली का मुआवजा दिया गया है, कंपेंसेशन दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते फटाफट से, कालिदास कर्मकार जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या फिर पाकिस्तान। तो गाइस जल्दी से मुझे बता देंगे किस देश के थे वो यहां पर, तो देखिएगा एक सिंपल सा आंसर बन जाता है इसका, क्या, बी फॉर बांग्लादेश। सो बांग्लादेश यहां पर आपका आंसर बन जाएगा। शेख हसीना जो है बांग्लादेश की क्या है, प्रधानमंत्री है, अब्दुल हामिद वहां के क्या है, राष्ट्रपति है, इस बात को याद रखेंगे। ढाका इज द कैपिटल और टका क्या है, करेंसी है वहां की, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है आपका, जो आपका बलि यात्रा किस राज्य के सबसे बड़े व्यापार मेलों में से एक है, तो बिगेस्ट ट्रेड फेयर बलि यात्रा कौन से देश का है, उड़ीसा का है या फिर छत्तीसगढ़ का है, वेस्ट बंगाल का है या फिर झारखंड का है। तो गाइस ये आपका उड़ीसा का है, ध्यान रखेंगे बलि यात्रा कहां का है, उड़ीसा का। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे। उड़ीसा के जो सीएम है उनका नाम नवीन पटनायक साहब है और जो वहां के गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल साहब हैं, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ओके गाइस, आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के मैं बात बताऊं तो छत्तीसगढ़ के भूपेश बंगेल सीएम है, अनुसुईया यूके वहां की क्या है, गवर्नर है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे वॉशिंगटन के G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। तो देखिएगा जो G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग हुई थी कहां पर, वॉशिंगटन में, और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक क्या है, RBI है, तो RBI के गवर्नर भी उसमें गए थे। तो देखिएगा नेतृत्व हेड कौन थे यहां पर, लीड किसने किया था, तो पीयूष गोयल नहीं, निर्मला सीतारमन, यस, हमेशा इसमें फाइनेंस मिनिस्टर जैसे गए थे, बात हो रही है फाइनेंस मिनिस्टर की, तो कौन है, निर्मला सीतारमन है।
देखिएगा पीयूष गोयल हमारे क्या है, रेलवे मिनिस्टर हैं, और कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल हैं। निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है और कॉरपोरेट अफेयर मामलों की मंत्री है। अनुराग ठाकुर भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन कौन से, यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय राज्य हमारे जो है वित्त मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी। और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं ही, आप सभी लोगों को पता ही है। आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर कोई डाउट किसी को हो तो कमेंट कर सकते हैं फटाफट से, चीजें समझ में आ रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा। आगे, किस खिलाड़ी ने एक पुस्तक मास्टरमाइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, ठीक है, तो जल्दी से बता देंगे, माइंड मास्टर विनिंग, अगर मैं बात करूं लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, ये जो एक बुक है वो किसकी है, तो जल्दी से मुझे बता देंगे किसने लिखी है, अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद या फिर पी टी ऊषा। तो गाइज आंसर आ जाएगा विश्वनाथ आनंद। अच्छा एक चीज समझिएगा, भारत में ना एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है, तो सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्लेयर पता है कौन थे, अभिनव बिंद्रा थे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। अच्छा जो विश्वनाथ आनंद थे वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को 2 अक्टूबर को अभी राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद साहब है उन्होंने मोस्ट इफेक्टिव स्वच्छता एम्बेसडर का अवार्ड दिया है, सबसे ज्यादा प्रभावी स्वच्छता एम्बेसडर का अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला है। और गाइज मैं आपको बता दूं जो लास्ट मंथ आपका 52nd IAAF आपकी जो, आप अगर मैं बात करूं इसमें जल्दी से इसकी फुल फॉर्म बताएंगे, बहुत बार मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई, सबिस्टन कोय को रीएलेक्ट किया गया है इसके अंदर, तो ये कहां पर हुई थी, 52nd जो आपका मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, दोहा में हुई थी, वहां पर पीटी उषा को सम्मानित किया गया, सम्मान से, कौन से सम्मान से, वेटरन पिन से, तो ये बात क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आगे चलते फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ईसीबी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो गाइज यहां पर अगर आपसे बात करूं तो देखिएगा पहले जो आईएमएफ की प्रमुख हुआ करती थी, क्या नाम था उनका, अगर मैं बात करूं क्रिस्टिना लिगार्डे, तो उनको बनाया गया है तभी ये थोड़ा सा न्यूज में आया। अभी आईएमएफ की कौन है, क्रिस्टिना जॉर्जीवा है, एंटोनियो गुटेरस यूएनओ के हैं, और डेविड मालपास जो है वो वर्ल्ड बैंक के हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं फटाफट से, तो यहां तक चीजें समझ में आई तो जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे फटाफट से। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात प्राकृतिक मोती किस शहर के तट पर खोजा गया था, तो जल्दी से बता देंगे, वर्ल्ड ओल्डेस्ट नॉन पर्ल वॉज डिस्कवर्ड ऑफ विच सिटीज कोस्ट, तो जल्दी से मुझे बताएंगे, अबू धाबी, माले, जकार्ता या फिर अम्मान। तो गाइस सिंपल सा आंसर आ जाएगा अबू धाबी, अबू धाबी जो आपका नेचुरल पर्ल, अगर मैं बात करूं सबसे पुराना प्राकृतिक जो नेचुरल पर्ल है वो कहां पर, अबू धाबी, अबू धाबी, अबू धाबी। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, माले जो है वो मालदीव की कैपिटल है, जकार्ता जो है इंडोनेशिया की कैपिटल है, हालांकि इंडोनेशिया की कैपिटल शिफ्ट होने वाली है, अभी ऑफिशियली शिफ्ट नहीं हुई है, ऑफिशियली शिफ्ट होने वाली है। अम्मान जो है वो जॉर्डन की कैपिटल है, किसकी कैपिटल है, जॉर्डन की कैपिटल है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो महाराष्ट्र विधानसभा 2019 में चुनाव के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र थे, जहां पर बीजेपी और शिवसेना मिलकर के सरकार बना रही है, तो वहां पर आपके कितने, 288 वहां पर क्या थे टोटल आपके जो थे निर्वाचन, अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको हम बात करते हैं, तो टोटल विधानसभा सीटें कितनी, 288। गाइस क्वेश्चन ये बनता है, वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, तो गाइस 403 है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे गाइस आप इस चीज को, ये 403 है या 401 है, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे अपने एंड पे, ठीक है, और बता देंगे कमेंट बॉक्स में, मुझे भी कमेंट करके। आगे चलते फटाफट से नेक्स्ट में, और लोकसभा की जो है यूपी में गाइज वो 80 है, ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा लोकसभा, सबसे ज्यादा आपकी बात करूं तो विधानसभा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में, किस स्थान पर इतिहासकारों ने 2000 वर्ष से अधिक पुरानी एक सड़क की खोज की है, तो गाइज ये आपका कहां पे की है, जेरूसलम में की है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैंने आपको बताया भी था कहां पर की है, जेरूसलम, जेरूसलम, जेरूसलम में, ठीक है, 2000 से भी अधिक पुरानी सड़क की खोज की है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, देखिएगा ये सेशन सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये तो एक रिविजन सेशन है आप लोगों का, एक रिमाइंड कराने के लिए है, और आप लोगों का मतलब एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव
इफेक्टिव है, लेकिन अब क्या करूंगा, आगे से जो आने वाली क्लासेज होंगी उसमें मैं आपको वीकली ही रिवाइज कराऊंगा। अभी तो इकट्ठा हो गया था काफी सारा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैंने चार क्लास में सारा निपटा दिया। आज तीसरी क्लास है, कल चौथी क्लास होगी आपकी, तो चार क्लास में क्या हो जाएगा, सारा निपटा दिया जाएगा आपको। तो ये जितनी भी चीजें मतलब आपको मैं बता देता हूं, तो ये जितने मतलब आपकी दूसरी तीसरी चौथी क्लासेज जितनी भी आपकी चल रही है, तो आपकी जैसे ये है, नहीं एक आज आपकी क्लास जो 26 को हुई थी, आज 28 है, एक 29 को होगी, फिर एक आपकी जो 30 को होगी। तो ये डेली के डेली आपका क्या हो जाएगा, ये चार क्लास में आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा रिवीजन। आगे चलते फटाफट से नेक्स्ट में, ठीक है। तो देखिएगा जो प्रो कबड्डी लीग है इस बार किसने जीती है, एक इंपॉर्टेंट बन जाएगा, बंगाल वॉरियर ने जीती है। कमेंट में बताएंगे बंगाल वॉरियर के कप्तान कौन थे, और कबड्डी में प्लेयर कितने होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। बंगाल वॉरियर के कप्तान का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे फटाफट से। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, तो हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की बात हो रही है कि ताजा रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मुकाबले मामले दर्ज किए गए हैं। तो गाइज डेट इज वन एंड ओनली उत्तर प्रदेश, अल्टीमेट प्रदेश, ओके। तो उत्तर प्रदेश में कैपिटल है लखनऊ, CM है योगी और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल साहब, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में क्या है, लाल कमल है, तो मध्य प्रदेश में जो है लाल कमल का मतलब कमलनाथ CM है, लालजी दास टंडन जो है आपके वहां के गवर्नर है, राज्यपाल है, ठीक है। और तमिलनाडु में बनवारी लाल पुरोहित साहब है, जल्दी से मुझे बता देंगे फटाफट से। और जो आपका बचता है क्या, बिहार में आपके जो है वहां के गवर्नर फागु चौहान है, ओके। आगे चलते फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2019 एशियन ट्रैक साइकिलिंग जो चैंपियनशिप में जेम्स साइक्लोन सिंह ने पुरुषों की जूनियर केरिन स्पर्धा में किस भारतीय साइकिल चालक ने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए जो आपके विच इंडियन साइक्लिस्ट वोन गोल्ड मेडल इन मेंस जूनियर केरिन इवेंट, ठीक है, अभी मैं बात बताऊं तो 2019 एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में किसने जीता है, तो गाइज ये जीता है आपके किसने, रोनाल्डो सिंह ने। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा आप लोगों को, रोनाल्डो सिंह किस गेम से हैं, तो गाइज रोनाल्डो सिंह जो है वो साइकिलिस्ट हैं, साइकिल चलाते हैं, ओके जी, बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम, जिसकी अभी मीटिंग हुई है, मतलब कल ही खत्म हुई है, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब न्यूज आपको पढ़ाऊंगा। ये हमारा जो डेली का सेशन चलता है गाइज, ये न्यूज बेस्ड चलता है, इसमें मैं आपको 12-15 न्यूज बताऊंगा डेली के डेली, 15-16 भी हो सकती है, इसमें MCQ भी बताऊंगा, तो तब मैं आपको नाम का डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ये जो नाम सबमिट आपकी हुई है, अगर मैं बात करने लगू तो कहां पर, ये जो 18वीं सबमिट नाम की आपकी हो चुकी है, ये हो गई है बाकू में। और भारत की तरफ से किसने लीड किया था, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वेंकैया नायडू साहब, उन्होंने लीड किया था। बाकू कैपिटल है किसकी गाइज, अजरबैजान की, और करेंसी क्या है, मन्नत है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हवाना किसकी कैपिटल है, जल्दी से बताएंगे, कायरा जो है वो इजिप्ट की है, ओके गाइज। हवाना किसकी कैपिटल है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे फटाफट से। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, तो चीजें पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है, तो गाइस जो नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी महिलाएं हैं, ठीक है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ किया है, उनको सम्मान देने के लिए एक भारत की लक्ष्मी के नाम से अभियान चलाया है, जिसमें PV सिंधु और प्रियंका चोपड़ा वगैरह ने क्या किया है, सपोर्ट किया है उसको, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आंसर PV सिंधु इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, किस राज्य ने सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं की कक्षा में NCERT पाठ्यक्रम को क्या कर दिया है, अपनाने का निर्णय लिया है, तो गाइस ध्यान रखेंगे ऐसा जो किया है वो किसने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है, ध्यान रखेंगे NCERT पाठ्यक्रम को क्या कर दिया, लागू कर दिया है। गाइस ये जरूरी भी था, क्योंकि देखिएगा आप ही किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो आप NCERT को पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, तो ये बहुत जरूरी था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा NCERT का हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में है, सब लोगों को पता है। NCERT की फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, बचपन से बुक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और ऋषिकेश चौधरी जो है, अगर चौधरी नहीं सेनापति, सॉरी ऋषिकेश जो सेनापति हैं, अगर मैं बात करूं तो वो जो है इसके चेयरपर्सन है NCERT के, क्या है, ऋषिकेश जो सेनापति हैं वो क्या है आपके जो है NCERT के क्या है अध्यक्ष हैं या चेयरपर्सन है, ये कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट गौशाला एक लॉन्च हुआ था, उसमें क्या हो सकता था कि हम गाय को ऑनलाइन अडॉप्ट कर सकते थे, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा हरियाणा में भी इलेक्शन
इलेक्शन हुए हैं 21 अक्टूबर को, ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। तो कौन बनने जा रहे हैं हरियाणा के नए सीएम, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे फटाफट से। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट देखिएगा क्या है हमारा, जो 20वां क्वेश्चन है, चेवांग रिनचेन सेतु जो हाल ही में खबरों में है किस शहर में स्थित है गाइज, तो ये आपका कहां पर स्थित है एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे, शिलोंग, गंगटोक, लद्दाख? नहीं है सर, लद्दाख में है। यहां पर अगर मैं बात करें इस सेतु को अभी हाल ही में किसने बनाया है, इसको बनाया है BRO ने, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, और जो इसका उद्घाटन किया था, इनोग्रेशन किया था, किसने किया था, राजनाथ सिंह ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने। जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, हरपाल सिंह इसके जो हेड हैं, ठीक है, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्या है, और जो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसको किसने बनवाया था, किसने इसको एक बार मतलब इसी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है किसने इसकी नींव रखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने, जिनका 14 नवंबर को बर्थडे भी आ रहा है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, पहले प्रधानमंत्री भी थे हमारे। निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऊर्जा मंत्री के पद के लिए नामित किया गया है, डेन ब्रॉयलेट को? हाँ जी सर बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो नीचे क्यों पढ़े हम, डेन ब्रॉयलेट को, तो यहां पर जो मिल जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अमेरिका ने क्या किया है, एनर्जी मिनिस्टर, अच्छा हमारे एनर्जी मिनिस्टर कौन है, हमारे ऊर्जा मंत्री कौन है, तो हमारे ऊर्जा मिनिस्टर है आर के सिंह, और आर के सिंह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है गाइज, अगर मैं बात करूं आपसे, आरा बिहार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो किस राज्य सरकार ने प्रतिबंधित पटाखों के भंडारण, बिक्री और खरीद के लिए जुर्माना लगाने का फैसला किया है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात? तो गाइज यहां पर अगर मैं आपसे बात करने लगू तो वेस्ट बंगाल यहां पर आंसर आ जाएगा। वेस्ट बंगाल ने क्या किया है, प्रतिबंधित पटाखों के भंडारण बिक्री पर क्या कहला दी है, रोक लगा दी है, मतलब दीदी ने बोला पटाखे नहीं बनेंगे, ठीक है, पटाखे नहीं बिकेंगे, ओके जी। तो दीदी वहां की सीएम है, क्या नाम है सीएम का वहां का बता देंगे जल्दी से, गवर्नर भी बता देंगे चारों स्टेट के, ओके, थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था मैंने, चारों के ही डिस्कस कर रखे हैं। आगे, किस देश ने हाल ही में वाणिज्य वाहक रॉकेटों की नई पीढ़ी स्मार्ट ड्रैगन का अनावरण किया है? तो गाइस देखिएगा, अनवील्ड स्मॉल ड्रैगन द न्यू जनरेशन ऑफ कमर्शियल कैरियर रॉकेट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, नेपाल नहीं होगा, बांग्लादेश नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, कौन होगा, चाइना ही तो होगा, एक इकलौता ऑप्शन, बड़े अच्छे रखे मैंने इस बार आपके लिए, ठीक है, कि आराम से वैसे भी बता सको। गाइस चीजें समझ में आ रही है, पसंद आ रहा है तो शेयर क्यों नहीं करते, लाइक क्यों नहीं करते एक बार जल्दी से, ठीक है, दिवाली मना करके आ गए आप लोग, हालांकि मैंने मान लिया, ठीक है, लेकिन शेयर तो करोगे ना, ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा अगला क्या है हमारा, अगला एक बार हम देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है एक बार देख लेंगे उसको फटाफट से, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 संस्करण की नीलामी कहां पर होगी? ये दिसंबर में होगी, कोलकाता में होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहां पर होगी, कोलकाता में होगी, ये डिस्कस मैंने आपसे किया था, IPL जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते फटाफट से, तो देखिएगा अगर मैं बात करूं ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा, तो ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बॉल 3 मेडल्स इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका फ्रॉम वेयर सी बिलोंग्स टू। तो देखिएगा जो दीप्ति शर्मा है, जिन्होंने 3 मेडल फेंके किसमें, T20 में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, कहां से बिलोंग करती है, तो सिंपल सा आंसर है आगरा से बिलोंग करती है दीप्ति शर्मा कहां से, आगरा से बिलोंग करती है, ध्यान रखेंगे, ओके गाइस, सारी चीजें पता लग रही है आपको, कोई डाउट अगर यहां पर हो तो जल्दी से बता देंगे फटाफट से। नेक्स्ट की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका से भी भारत ने भी टेस्ट सीरीज 3-0 से जीत ली है, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो क्रिस्टिना जॉर्जीवा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया, मैं भी डिस्कस भी कर चुका हूं आप लोगों से, वह किस देश की है? तो गाइज वे बुल्गारिया की है, और सोफिया जो है वो बुल्गारिया की कैपिटल है, और लीव जो है वो करेंसी है, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। बाकी तीनों का मुझे बता दे, चलो क्रोशिया मैंने डिस्कस नहीं किया, तो क्रोशिया में बता देता हूं, इसकी जो कैपिटल है डेट इज जागरेब। जर्मनी और फ्रांस की कैपिटल जल्दी से बता देंगे कमेंट करके। आगे चलते फटाफट से नेक्स्ट में। तो देखिएगा फ्लाइंग यूनिट के फ्लाइट कमांडर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइएगा। तो देखिएगा फ्लाइंग यूनिट के फ्लाइट कमांडर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है सैलेजा धामी। ओके गाइज, कोई डाउट अगर यहां पर हो तो जल्दी से मुझे बता देंगे फटाफट से। और ये लुधियाना पंजाब से है, अगर इनका स्टेट पूछ लिया जाए, पंजाब, जगह पूछ ली जाए, तो लुधियाना। ओके गाइज, आगे चलते फटाफट से।
नेक्स्ट में तो देखिएगा, हाल ही में किस प्राधिकरण ने अपना 15वां गठन दिवस मनाया है, 15 फॉर्मेशन डे किसने मनाया है गाइस? तो देखिएगा, जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने अभी अपना 15वां मनाया है। इस बात को क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका जो हेडक्वार्टर है गाइज वो हैदराबाद में है। टेलीकॉम का जो है दिल्ली में है। पेंशन का भी कहाँ पर है, दिल्ली में है। हैदराबाद वाले के कौन है, अगर मैं बात करूँ सुभाष चंद्र खुंतिया जो है आपके इरडा के चेयरमैन है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, रामसेवक शर्मा है। पेंशन फंड के कौन है, हेमंत कॉन्ट्रैक्टर है। और ये आपका डायरेक्टली प्रधानमंत्री के अंडर में आता है, एन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके गाइस, आगे चलते हैं 29 क्वेश्चन पर। 29 क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस हर साल आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर वो नेशनल पर्यटन दिवस पूछ लेता तो आपका कब मनाया जाता है, वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बात को क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेशनल 25 जनवरी को, इंटरनेशनल 27 सितंबर को। कोई डाउट यहां पर हो तो जल्दी से मुझे बता देंगे फटाफट से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेंगे फटाफट से और चीजों को शेयर कर देंगे फटाफट से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समूह में किस राष्ट्र को एक स्थायी सदस्य के रूप में बहाल करने का आह्वान किया है? तो गाइज यहां पर आ जाएगा रशिया को, क्योंकि पहले ये G8 हुआ करता था, रशिया बाहर हो जाने के कारण G7 हो गया, तो ये G8 वापस हो जाएगा। उन्होंने रशिया को क्यों किया है, क्योंकि इस बार जो G7 सबमिट हुई थी वो फ्रांस में हुई थी, सब लोगों को पता है, नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। अगली बार जो G7 सम्मिट होगी वो कहां पर होगी, आपकी USA में होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने वापस रशिया को क्या किया, आजा भाई आजा, व्लादिमीर आजा, ठीक है, इसमें वापस जुड़ जा हमसे G8 में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें। तो गाइज कैसा लगा आपको सेशन, एक बार कमेंट जरूर करेंगे। कंप्यूटर जी पूरी स्क्रीन पर मुझे ला दिया जाए। तो गाइज कैसा लगा आप लोगों को सेशन, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बता देंगे फटाफट से। और जो आपका ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए मैंने लिया है कि डेली आपको कुछ MCQ प्रैक्टिस कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए सारा तो पढ़ने के लिए है ही और सारा तो पढ़ना भी है, डेली हम शो को कर रहे हैं, लेकिन कुछ मैं आप लोगों के लिए क्या कहते हैं कि दिवाली की छुट्टी में मौका भी मिला उसको मैंने रिवाइज भी आपको करा दिया। तो कैसा लग रहा है आपको चीजें बता देंगे फटाफट आपको रिविजन में। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अब जो हम रिविजन करेंगे ना आगे से, ये चार क्लास रिविजन किए खत्म हो जाने के बाद जो हम रिविजन करेंगे नवंबर में, वो जितना भी हम एक हफ्ते में पढ़ेंगे उसका संडे को रिविजन कर लेंगे, जितना भी एक हफ्ते में पढ़ेंगे संडे को रिवीजन कर लेंगे, ताकि बर्डन भी ना पड़े, ठीक है गाइस। तो चलता हूं फिर, आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो लोग नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। कल मिलते हैं वापस इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।